हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज बूस्ट। मैं हूं प्रतीक। एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉमेट के 2021 वाले एग्जाम के बारे में। होप करता हूं कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ना अभी एक दिन बाद यानी अपकमिंग ट्यूसडे को 14 सितंबर को आपकी कॉमेट के की पेपर होने वाली है। एंड इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कॉमेट के की तरफ से एंड कैसे आपको एग्जाम पेपर को टैगल करना है। सबसे पहले एंड सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जो आपके पास TAT है यानी टेस्ट एडमिशन टिकट, जो आपकी टिकट है आपको, जो कि आप उसको एडमिट कार्ड भी कह सकते हो, ठीक है, उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको आई हैं कॉमेट की तरफ से, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। TAT को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं आपको सेंटर पे, आपके एग्जाम सेंटर पे, वो सब आपको लेके जानी है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से उसे एक बार रीड आउट कर लो कि आप समझ पाओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। यहाँ पे जैसे कि आप देख लो कि पासपोर्ट साइज़ फोटो है, दो पासपोर्ट साइज़ फोटो, या फिर आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड है, ये सब आपको TAT के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ लोगे आपको एक आइडिया सी हो जाएगी। एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या जो फोटो है हमें वो फोटो एडमिट कार्ड पर पेस्ट करके घर से जानी है साइन करके, या फिर आप वहाँ पे सेंटर पे जाकर उसे पेस्ट करोगे फिर वहाँ पे साइन करोगे। तो देखो यार, यहाँ पे जब मैंने कॉमेंट्री की एग्ज़ाम दी थी तो मैंने वहाँ पर जाकर सेंटर पर जाकर उस फोटो को पेस्ट किया था एडमिट कार्ड के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पर आपको क्रॉस साइन की थी इस फोटो पर। ठीक है, तो आप चाहो तो घर से साट कर ले जा सकते हो, लेकिन साइन मत करना आप, या फिर आप चाहो तो सेंटर पर ले जाकर भी उसे पेस्ट कर सकते हो, फिर वहाँ पर जाकर आप उसे क्रॉस साइन कर सकते हो। दो फोटो ले जानी है, ठीक है, वो आपकी TAT पे मौजूद होगी। अगली चीज़ आती है हमारी PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पेपर को कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, किस पेपर को पहले अटेम्प्ट कर रहा है, किसे बाद में अटेम्प्ट करना है। देखो यार, हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, किसी को केमिस्ट्री ईजी लगती है, किसी को फिजिक्स ईजी लगती है, किसी को मैथ्स ईजी लगती है। ठीक है, तो आपको जो भी पेपर आपको ईजी लगती है, आप पहले से वहाँ पर जाकर आपको देखना नहीं है कि आपको ये पेपर ईजी लग रही है। आपको आपको आइडिया हो गया होगा अब तक, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को बनाया है या फिर आप IIT या JEE की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको पता ही होगा आपकी कौन सी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसे आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है। मेरे केस में सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे इन तीनों पेपर के पेपर में आपको सबसे ईजी लगती है। आप चाहो तो आपकी जो भी आपको फेवरेट सब्जेक्ट होगी, आपको तीनों में सबसे जो ईजी लगती होगी उसे आपको अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको उसके कम ईजी वाले को अटेम्प्ट करनी है, जो आपको सबसे टफ लगती है। यानी मान लो कि मेरे केस में मुझे केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री को लास्ट में अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है आपको किस पेपर को पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में अटेम्प्ट करना है, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको हर पेपर में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, अब सब में मैक्सिमम 50 मिनट्स, मैक्सिमम चाहो तो आप जल्दी कंप्लीट कर लो, 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, उतना अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम 50 मिनट्स में आपको हर एक पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, 50 मिनट्स में आपको तीनों पेपर को कंप्लीट करनी है अपनी, या फिर आप इसे कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स में आप चाहो तो जो आपकी क्वेश्चन को आपने रखा हुआ था बाद में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, जो आपने रिव्यू में रखा हुआ था, उस 30 मिनट्स में आप 20 मिनट्स में उस पेपर को, या 20 या 25 मिनट्स में उस पेपर उस क्वेश्चन को जिससे आपने रिव्यू में रखा था उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड जो लास्ट के आपको 5 to 10 मिनट्स अगर आपके बच जाती हैं तो आपको उसमें क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको कॉमेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको लास्ट में हर एक एक क्वेश्चन को, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स हो, अगर आपको एकदम नहीं आती है क्वेश्चन, आपको एकदम छोड़ कर नहीं आना, ABCD ऑप्शन दी होगी, आपको किसी ऑप्शन में टिक मार के आना। ठीक है, हो सके तो वो सही हो जाए तो आपको आपके मार्क्स मिल सकते हैं, आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, कोशिश करें कि लास्ट तक आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, कभी कभी आप गलती से सही चीज़ को करेक्ट कर देते हो ना, फिर आपको मार्क्स भी मिल जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएँ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। पेपर आपके लिए हो सकता है न्यू होने के, बहुत ईजी पेपर आती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछी जाती है हर एग्जाम के अंदर। एग्जाम आपको एक दिन बाद है, तो आपको अभी कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी चीज़ को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है। ठीक है, उसमें आप चाहो तो अच्छी खासे नंबर स्कोर कर सकते हो, लेकिन अभी आप न्यू चीज़ को स्टार्ट करोगे तो जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो हो सकता है कि आपके हिल जाए। ठीक है, तो उस चीज़ में आप नहीं जाओ, जितनी चीज़ आपने पहले कर चुकी उस चीज़ को आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, लेकिन न्यू चैप्टर को, न्यू चीज़ को अब स्टार्ट एकदम से ही नहीं करना है। ठीक है, एंड चाहो तो एकदम कम से कम चीज़ को डिस्कस, एंड एग्जाम जाने से पहले आप अच्छे से नींद लो, एंड कोई डरने की बात नहीं, एग्जाम आपकी बहुत ईजी होती है, आप अच्छे से जाओगे, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम के अंदर आप अच्छी परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम के अंदर। सो ये रही वीडियो हमारी एग्जाम से पहले की, एग्जाम के बाद आपकी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली काउंसलिंग से रिलेटेड एंड कट ऑफ के रिलेटेड, तो चैनल पर हमारे साथ बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड डू योर बेस्ट।